हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह, मैथ्स फैकल्टी, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 9 IMO मैथ्स चैप्टर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम या नंबर्स। ठीक है, तो हर एक लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके लेवल बहुत अप होता चला जाएगा, क्योंकि 9-10 में तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/8 एंड 7/8। 5/8 और 7/8 के बीच में एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, 5 + 8 + 7 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो रैशनल दे देगा, कोई दो नंबर है उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5/8 × 7/8, नहीं ये भी क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। पी बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है √5/8 × 7/8, ये सही है। यदि हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 5 और 11 सपोज, तो इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर पूछेगा तो क्या होता है, वो होता है √5/11। तो यहां भी वही होगा, इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर क्या होगा, √(this)/this। तो जब भी कोई दो नंबर देगा तो उसे आप स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही उन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद हम और भी फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एक्स इक्वल टू 7 − 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब x² + 1/x² या x³ + 1/x³, x⁴ + 1/x⁴, x⁵ + 1/x⁵, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे कि उनका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x दिया हुआ है, हम 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x क्या होगा, 1/x हो जाएगा 1/7 − 4√3, इतना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 माइनस मतलब इसके साइन चेंज कर देंगे, जो रूट वाला का साइन है ना उसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 + 4√3 / 7 + 4√3, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 + 4√3 / a + b × a − b, क्या होता है a² − b², तो ये हो जाएगा 7² − 4√3 / 7² होगा 49 और 4√3 / 4√3 / कितना होगा, 4 × 4 = 16 × 3, मतलब कि √3 / तो 3 होता है, तो 16 × 3 कितना आ जाएगा, 48। और ये क्या आ जाएगा हमारा, 7 + 4√3 / 49 − 48, ओके वो तो 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ गया हमारे पास 7 + 4√3। देखिए x इक्वल टू है 7 − 4√3 और 1/x कितना आया, 7 + 4√3। तो अब इसे मैं इरेज करके यहां लिख दे रहा हूं, कितना आया 7 + 4√3, 1/x आ गया 7 + 4√3। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम आगे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम ये काम करेंगे, सबसे पहले x + 1/x हम फाइंड कर लेते हैं। तो x + 1/x जब करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक प्लस है एक माइनस है, और 7 + 7 कितना बचेगा, 14। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उसे शॉर्टकट में लिखना अच्छा नहीं लगता है, आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a + b² मतलब कि हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × ab, x × 1/x इक्वल टू 14² कितना होता है, 256। ठीक है, सॉरी ये तो 16 का होता है, 196। अब ये x कैंसिल हो गया, x² + 1/x² + 2 इक्वल टू इतना, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस 2 को इधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो −2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 194। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 194। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है, सीधा सॉल्व करने के लिए कहा था, तो ऑप्शंस भी दे सकते हैं
या फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके सॉल्व करते हैं। अब सपोज एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने बोलता, तो जो आया है ना इसे हम एक्स प्लस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या और भी तरीका है, और भी तरीका है, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करिए, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके, और एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू फाइंड करिए। जो आया है ना उसी को स्क्वायरिंग, जो आया है उसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो फाइनली आपको एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे करिएगा। फिर एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, इसमें एक्स प्लस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो फाइव पावर वाला आई थिंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज, मतलब कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे रूट टू का रूट टू ही होता है, रूट थ्री का रूट थ्री होता है, तो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर सी टू द पावर फोर। तो हम इसमें ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सब रूट से बाहर आ जाए। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब क्या होता है, रूट से बाहर आ जाए, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कोई मतलब नहीं है, रूट से बाहर आ जाए। तो हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर फाइव हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। बी क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी टू द पावर फाइव हो जाएगा, और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी टू द पावर फाइव हो जाएगा। फिफ्थ रूट है, हर पांच के बदले एक बाहर आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी। तो देख लीजिए ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी हमारा ये ऑप्शन है, जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका पावर फाइव हो जाएगा और पांच के बदले एक बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी आ जाएगा। तो ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और दो क्वेश्चन हमारे पास, हम हर एक लेक्चर में फाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री टू द पावर टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इधर क्या है टू का पावर थ्री का पावर, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में इसे लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री टू द पावर टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू। इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, उसका मतलब कि वो नहीं, फाइनल आंसर आएगा आपका टू क्यूब इंटू थ्री क्यूब, मतलब कि ये हो जाएगा टू टू द पावर थ्री एंड मल्टीप्लाई थ्री टू द पावर थ्री। अब देखो टू का पावर एक्स माइनस थ्री है और यहाँ पे थ्री है, तो इक्वेट कर देंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा थ्री, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सिक्स। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं थ्री का पावर्स को इक्वेट करके, तो टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू थ्री है, तो एक्स टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाइन और थ्री ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया सिक्स। दोनों में सेम आ रहा है, सेम नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, उसमें कुछ वैल्यू नहीं आता। तो पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और हमारा एक्स कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिक्स लिख देंगे, सिक्स हमारा आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स दिस दिस दिस, सर्ट्स का असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ सिक्स रूट है और यहाँ नाइन्थ रूट है, यहाँ रूट क्यूब रूट के अंदर फाइव है, क्यूब सिक्स रूट ऑफ थ्री है और ये नाइन्थ रूट ऑफ फाइव है, कैसे करेंगे इसे, फाइव को इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाइव रेस टू द पावर वन बाई थ्री, इसे क्या लिख सकते हैं, थ्री रेस टू द पावर वन बाई सिक्स। जैसे स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, रूट टू को क्या लिखते हैं, टू टू द पावर वन बाई थ्रू वन बाई टू, रूट थ्री को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री को थ्री टू द पावर वन बाई टू, उसी तरीके से ये हो गया थ्री टू द पावर वन बाई सिक्स और ये हो जाएगा हमारा फाइव टू द पावर वन बाई नाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, यहाँ थ्री है, यहाँ सिक्स है, यहाँ नाइन है, सबको सेम कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, थ्री सिक्स और नाइन का एलसीएम निकालना होगा। तो थ्री सिक्स और नाइन का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम ऑफ थ्री सिक्स एंड नाइन वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ जाएगा एटीन। एलसीएम निकालने आप लोग को आना चाहिए, नाइन में है, एटीन आएगा एलसीएम। आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 18 करना है, तो इसके डिनोमिनेटर को 18 करने के लिए क्या करना होगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमेटर डिनोमिनेटर को। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 18। इसमें क्या करेंगे हम,
इसको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 18, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 18। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 6 होल पावर 1/18। ठीक है, और इसे क्या लिख देंगे, 3 रेज टू द पावर 3 होल पावर 1/18, और इसे लिख देंगे 5 स्क्वायर होल पावर 1/18। अब देखो सबका क्या है, पहले ये क्यूब रूट था, अब ये किस में बदल गया, 18th रूट में, सबको हमने 18th रूट में बदल दिया है। बस देखना है कि अब यहाँ पे किसका बड़ा है और छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा, इन सब से बहुत ही ज़्यादा होगा, 31,000, मतलब 3,125 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सबका रूट क्या है, 18th रूट है, तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा तो यही आ रहा है लास्ट वाला 25, ये 27, और ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 16,000 के राउंड में आएगा कुछ, मतलब कि 15,000 समथिंग कुछ आएगा, तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा, सॉरी ये बीच में और ये सबसे बड़ा, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो सबसे पहले हमें आ रहा आएगा सबसे छोटा R, उसके बाद फिर Q एंड देन P, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा इन सर्ट्स का। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।